हम इंसान हैं, बेशक दावती फील्ड में है, बेशक एक जो दावती फील्ड में होता है, मैं समझता हूँ वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एपिटेमी और पीक पे होता है, बिकॉज यही वो काम है जो अंबिया का काम था. लेकिन स्टिल देयर आर डेज इन व्हिच वी फील डिप्रेस्ड एंड सैड. नंबर वन, डू यू फील डिप्रेस्ड? एंड नंबर टू, हाउ डू यू कोप अप विद सैडनेस? डिप्रेशन किक इन करती है लाइफ में मल्टीपल रीजंस की वजह से. व्हाट मेक्स यू डिप्रेस्ड एज़ वेल? डेफिनेटली ब्रो, डिप्रेस भी फियर की स्टेट्स होती है, कुछ फियर्स ऑफ द फ्यूचर बहुत कॉमन. देखिए ठीक है, लोग ये समझते होंगे कि तवक्कल है हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है. लेकिन स्टिल समटाइम्स यू नो कुछ फ्यूचर के फियर्स होते हैं, कुछ एंग्जाइटी भी होती है, सिचुएशनल एंग्जाइटी, यानी व्हेन यू थिंक कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, लेट्स से कोई घरेलू मामला है, तो ये सारे मामला हमारे साथ भी चलते हैं. बट ये कि पहले आपने पूछा कि डिप्रेशन होती किस चीज़ से, तो ब्रो देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये गुनाह को गुनाह आपको डिप्रेस करना चाहिए, हमारे जो गुनाह हैं वो हमें डिप्रेस करनी चाहिए, ये बहुत कॉमन रीज़न होनी चाहिए डिप्रेशन की. लेकिन डिप्रेशन से यहाँ मेरी मुराद है जो सैडनेस वाली एक डिप्रेशन है. बाकी कुछ ऐसा मामला भी आ सकता है, मिसाल के तौर पे कोई हेल्थ इशू आ सकता है, अल्लाह ना करे, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है. और ऐसा पास्ट में जब भी ऐसा हो जाए तो हाउ डू यू? देखिए मस्ट टू डू कुछ दुआएं हैं मेरी, जैसे यूनुस अलैहि सलाम की जो दुआ है उसमें बहुत 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 यकीन है मेरा कि मैं वो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल. फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है शेख, सपोर्ट सिस्टम, और वो मिक्सअप होने लग जाता हूँ मैं मजीद फैमिली में. बहने माशाल्लाह मेरी, उनके बच्चे आते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक मुझे तकवीत देती है. डॉल्फिन्स रिलीज होते हैं जब बंदा बच्चों को अपने नमाज हो गई अपने बच्चों को यहां करता है और सारा बिल्कुल. और डेफिनेटली डेफिनेटली नमाज में मजीद बंदा खुशू खुजू लाए, सूरह फातिहा बहुत गौर से पढ़े और सजदा बहुत अच्छे से करे, नेचर के साथ फिर कनेक्ट होना, ये मेरे कुछ तरीके हैं कोप अप करने के ना, डिप्रेशन होगी एंग्जाइटी होगी इन चीज़ों के साथ. बट रियली ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीहाना का इसका तो मुकाबला दिस इज इट. अच्छा एक और चीज़ भी है, मुझे एक भाई ने बताया और बड़ा जबरदस्त, कहते हैं कि कुरान में जब भी सहाबा परेशान थे ना तो अल्लाह ताला ने उन पर बारिश नाजिल की और उनको नींद भी दी. तो वो भाई मुझे बता रहे थे कि तो हाँ मैं क्या करता जब मैं आई फील सैड एंड डिप्रेस्ड, आई टेक अ शावर एंड देन राइट आफ्टर द शावर आई टेक अ नैप एंड देन आई गो बैक एंड रीड सम कुरान. कहते हैं ये बारिश का होना यानी नहाना और नींद का आना और फिर आप जब कुरान की तिलावत करते हो, ये तीनों जब कॉम्बो होता है ना. Nice. ये बड़ी एक ख्यास है, एक ऐसी चीज़ है कि हमने उन पे बारिश, क्योंकि अल्लाह ताला क्यों सब पे बारिश नाजिल कर रहे हैं और क्यों नींद उन पे ऊन नाजिल कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी डिफरेंट सी बात किया जाता है. उसकी वजह पता है ब्रो, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना जिसमें गुस्सा भी है डिप्रेशन वगैरह, हमारे नबी ने क्यों कहा अलैहिस्सलाम के यानी अपने आप को ना अनकंफर्टेबल करो, मीनिंग अगर गुस्सा आया अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, या सिचुएशन चेंज करो, लोकेशन चेंज करो, मीनिंग उस पोजीशन से हट जाओ. तो मैं समझता हूँ कि कभी कभार जो स्ट्रेस होता है ना आपके ऊपर, और यानी एक एलिमेंट तो ये है कि मैं भी कभी कभार फील करता हूँ व्हेन यू स्लीप यू टेक अ नैप, तो हर चीज ना रीसेट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरे दिन का स्ट्रेस होता है, यू नो वो स्ट्रेस आप कभी कभार आप किसी के ऊपर निकाल देते हो, और अमूमन आप उनके ऊपर निकालते हो जो आपके लव्ड वंस होते हैं अनफॉर्चुनेटली. तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है जो आपने बताई. मैं अच्छा व्हेन आई फील स्ट्रेस्ड या सैड, द मोर आई रीड अबाउट द नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला एंड द मोर आई टॉक टू हिम आई फील रिलैक्स्ड. और स्पेशली जो कुछ नाम है ना, एक अल-हय जिंदा, यानी सुभान अल्लाह, जैसे एक ना बेटा हो ना कोई मसले में वजह होने के बाप के ना, तेरा बाप जिंदा है अभी तो टेंशन ना ले, आप समझ रहे. अल-हय का जो नाम है ना ब्रो, कि ही इज एवर लिविंग, ही इज अल्लाह है और वो जिंदा है और हयात है और मेरी बात सुन रहा है. और फिर अल-करीम, अच्छा करम जो है ना, करम इज नॉट जनरोसिटी, करम इज परफेक्शन ऑफ एनी गुड डीड, करम मींस परफेक्शन ऑफ एनी गुड डीड. बट ये जनरोसिटी में कैसे चेंज हुआ कि एक बंदे में 100 खामियां हो ना बट वो जनरस हो, तो वो जो जनरोसिटी है ना वो उसकी तमाम खामियों पे पर्दा डाल देती है और इसलिए उसकी जो है ना वो इंसान परफेक्शन पे पहुंच जाता है. क्योंकि जनरोसिटी एक ऐसा ट्रेट है कि जो आपकी हैबों को छुपा देता है. सही. एक बंदे में 100 खामियां भी, बट वो रिच यानी पैसा लगा तो अपने 200 यारों पे, दोस्त पे भी से मोहब्बत करते हैं. तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह बीइंग करीम इज, वो आपकी बात को कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आप पे जेनरस है, वो अल वहाब है,
perpetual giver of gifts है. जब ये चीजें इंसान पढ़ता है ना कि मेरा रब है, वो देख रहा है, he knows what I'm going through, he knows के मेरा future क्या है और मुझे वो चीज से गुजारना चाह रहा है, and ultimately this all will end one day. और हमारा तो फ्यूचर असल जिंदगी आगे है, जिंदगी है. तो फिर जो है ना ये अचानक से ना एक वो एनर्जी जो है इंसान की मिलती है. एक और चीज मुझे याद आ गई कि पास्ट के कुछ रिग्रेट्स बड़े कॉमन होते हैं, लोगों को बहुत होते हैं, सवाल पूछते हैं. तो जाहिर है हर एक की लाइफ में होते हैं. जैसे आपने कहा कि आज हम ऐसे अपना वो साइड प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं. तो जब भी मुझे कोई तंग करता है पास्ट की कोई चीज़ के, अरे क्यों हुई मेरे साथ, इट्स लाइक जहन में आ जाता है. तो बहुत खूबसूरत वो दुआ जो नबी ने सिखाई और वाकई मुझे बड़ी तकवीत मिलती, कद्दर अल्लाह व मा शाअ फअला, कि भाई छोड़ो, सोचने पे आओगे तो ये तो एक तखरीब का हर जहन, पता नहीं क्या क्या सोचेगा. छोड़ो छोड़ो, बस सब छोड़ो, एक ठंडी हवा भरो, ये पढ़ो और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह वजअलनी फी मुसीबति वखलिफ ली खैरन मिनहा. और दूसरा शेख, मुझे लिखने की बहुत आदत. अच्छा, आई एम नॉट श्योर आप दोनों को है कि नहीं, बट मैं लिखता हूँ बहुत, एंड इट रियली हेल्प्स. पेन, यस, मेरे ये भरे हुए हैं. अच्छा, इधर लिखते हैं. अच्छा, मैं यहाँ लिखता हूँ. अच्छा, तो बहुत भरे हुए और मैं अल्लाह को लिखता हूँ. शायद थोड़े मेरे नेचर इंट्रोवर्ट है, मैं लिखना ज्यादा, अल्लाह से मैं लिख के बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करता हूँ. वैसे भी करता हूँ लेकिन लिख के बहुत एक्सप्रेस करता हूँ, काफी कुछ लिख. सो यू राइट एंड कीप ऑन राइटिंग? आई कीप ऑन राइटिंग एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी कि जब वो फेज कोई मुझ पे आए ना थोड़ा डिप्रेशन का, तो मैं पढ़ता हूँ. मैंने इस तरह की चीजें भी थोड़ी पर्सनल बात बता रहा लिखी कि सोचो अल्लाह ने तुम्हें उस मौके पे कैसे निकाला, उस मौके पे कैसे निकाला, नेवर फॉरगेट तुमने उस मौके पे ये दुआ की थी. ये मैं लिखता रहता हूँ ताकि वो बस भूल जाता है ना इंसान, तो ये एक अच्छी वो. नहीं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी. इट हेल्प्स मी रियली मेंटेनिंग जर्नल, योर ओन जर्नल. यस यस, टेक टेक जर्नल. इंशाल्लाह, यस यस. मुझे एक मोमेंट याद है इन व्हिच आई वाज वेरी सैड, बहुत परेशान था मैं, और वो लंबी सैडनेस वो काफी लंबी हो गई थी. सही, वो खत्म नहीं हो रही थी. वो बड़ी दुआएं की, बड़ी सदका दिया, ये वो सारा. बट एक दफा ना मैंने नमाज पढ़ी और मुझे याद नहीं, आई थिंक वो इशराक की नमाज थी. सही, उससे मैंने कहा याला, मैंने सजदे सर नहीं उठाना चाहता, तूने मुझे इस मुश्किल से निकालना है. एंड मैंने दुआएं वही मांगी, बट मैंने अपने यकीन को बहुत चेंज किया. देखा याला, टुडे इज द डे एंड दिस इज द टाइम. मुझे आपसे गुनाहगार होने के बावजूद वो कितना सुनता है.